जय श्री राम। नमस्कार प्रिय साथियों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्योतिष के धार चैनल पर। आज का हमारा विषय है धन प्राप्ति का महाशक्तिशाली उपाय जाने, जिसे करने से आपके घर में कभी धन दाने की कमी नहीं आएगी। प्रिय साथियों, यह उपाय करने से आप पर चार देवी देवताओं की कृपा बरसेगी। प्रिय साथियों, जन्म कुंडली में यदि आपके कुंडली में सूर्य का आपको अशुभ प्रभाव मिल रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति प्रबल है, सूर्य शुभ है, तो आपको राज्य की प्राप्ति होती है। सूर्य राज्य को देने वाला है, जश मान प्रतिष्ठा को देने वाला है, ऊंच पद को देने वाला है। प्रिय साथियों, वह बालक का प्रभाव जनता पर अधिक होता है। प्रिय साथियों, जिनकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति पर होता है, वह बालक ऊंच बुलंदियों को छूता है। प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं, आपको सूर्य का शुभ प्रभाव मिल रहा है, तो यह उपाय आपके लिए सबसे उत्तम रहने वाला। प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति अशुभ है, शनि की सार्थति से आप परेशान हो, शनि की सार्थति के कारण आपके जीवन में दुख एवं परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। प्रिय साथियों, तो यह उपाय आपके लिए अति उत्तम रहेगा, क्योंकि शनि देवता एक नया प्रिय देवता है जो रंक को राजा बना देने वाला होता है। इनकी यदि शुभ कृपा होती है तो वह रंक को राजा बना देता है। यदि इनकी अशुभ दृष्टि होती है तो वह राजा को रंक बना देता है। प्रिय साथियों, यह उपाय करने से आपको शनिदेव का शुभ फल प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, और यह उपाय करने से आपको पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। यह नवरात्रों के शुभ दिन आपके लिए अति उत्तम है, इसमें यह उपाय करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। प्रिय साथियों, और गणपति महाराज की भी आप पर विशेष कृपा बरसेगी। उस उपाय के बारे में जानिए, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। यदि चैनल पर आप पहले गए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। प्रिय साथियों, ये उपाय सबसे उत्तम एवं स्टिक उपाय है जो रावण के द्वारा रचित है। प्रिय साथियों, ये उपाय करने से आप पर कभी भी किसी विपदा एवं दुखों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय साथियों, और धन धान्य की कमी नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार यह पौधा अति शुभ माना गया। यह वनस्पति यह पौधा दो तरह का होता है। प्रिय साथियों, जिसके आपको शुभ एवं अशुभ प्रभाव मिलते हैं। आक एवं मंदार के पौधे के बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा। जो सफ़ेद आक होता है, जिसके पुष्प सफ़ेद होते हैं, वह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। प्रिय साथियों, यह अति शुभ माना जाता है। जिसके पुष्प नीले रंग के होते हैं, वह आक का जो पौधा है अशुभ माना जाता है। इसे घर पर कभी नहीं लगाना चाहिए। प्रिय साथियों, इसे लगाने से घर में अलक्ष्मी आती है और घर में धन धान्य की कमी होती है। जो सफ़ेद आँख है, सफ़ेद इसे आँख का भी बोलते हैं, इसे मदार भी बोलते हैं। अलग अलग इलाकों में इसका अलग अलग नाम से प्रचलित है। प्रिय साथियों, यह पौधा आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। प्रिय साथियों, जो सफ़ेद आँख होता है, इसके पत्ते मुलायम एवं लंबे होते हैं, और इस पर जो पुष्प आते हैं वह सफ़ेद रंग के होते पुष्प होते हैं। प्रिय साथियों, यदि आप इस पेड़ को अपने घर पर लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी, और लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बरसेगी। प्रिय साथियों, और शनि की कृपा पाने के लिए आपको आग के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल शनिवार के दिन अर्पित करें, और सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि की क्षारशक्ति का जो अशुभ प्रभाव है, बड़े से बड़ा कष्ट है, वह दूर होता है। शनि की कृपा बरसती है और धन धान्य का लाभ प्राप्त होता है। इस आग को सूर्य की समीधा भी माना गया है शास्त्रों के अनुसार। यदि आप अपने कुंडली में सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सूर्य का शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मदार के पेड़ में चावल पुष्प और गुड़ अर्पित करने से सूर्य का आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। इसकी लकड़ी को धारण करने से भी आप पर सूर्य का शुभ प्रभाव रहेगा, सूर्य की कृपा आप पर बरसेगी। प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ है, आपको शुभ प्रभाव नहीं हो मिल रहा, तो इस पेड़ की लकड़ी अपने गल में धारण करें। शुभ दिनों में, नवरात्रि इत्यादि में शुभ दिनों में आप इसे धारण कर सकते हैं। जय रवि पुष्य योग में इसे धारण कर सकते हैं। प्रिय साथियों, और यह पेड़ यदि कई वर्ष तक आपके घर पर लगा रहता है, तो इसमें एक गणपति की प्रतिमा बन जाती है। गणपति का इसमें वास होता है,
और नित्य प्रतिदिन इसकी पूजा करने से गणपति की कृपा बरसती है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, शनि देव की कृपा बरसती है, इन चार देवी देवताओं की आप पर कृपा बरसती है। प्रिय साथियों, तो सबसे उत्तम माने गए कुंडली में सबसे उत्तम ग्रह जो है वह सूर्य और शनि ही है, जिनकी कृपा से राज्य की प्राप्ति होती है, बालक बुलंदियों को छूता है, जीवन में उच्च तरक्की को प्राप्त करता है, जसमान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, उसे धन धान्य की कभी कमी नहीं आती है। प्रिय साथियों, ये उपाय करने से आपको अति शुभ फल प्राप्त होगा। आप देखना जीवन में किसी के घर में यदि ये पेड़ लगा हुआ है तो उसके घर में कभी भी धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। प्रिय साथियों, आप देखना वह बालक ऊंच बुलंदियों को छूगा, धन धान्य की उनके घर पर कभी कमी नहीं होगी, भौतिक सुखों को वह प्राप्त करता है। जो जीवन में हम भौतिक सुख का आनंद लेते हैं उनको वह प्राप्त करते हैं। यह उपाय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। प्रिय साथी, आप कर देखें, कभी भी आपके घर पर धन धान्य की कमी नहीं होगी, धन से संबंधित आपकी चिंता दूर होगी। प्रिय साथियों, आपका समय शुभ रहे। नमस्कार प्रिय साथी।